चलिए आज हम लोग जानेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसका शॉर्टकट की कैसे बना के रख सकते हैं, तो अगर हमको जरूरत पड़े हम उस जल्दी जल्दी। चलिए तो सबसे पहले फाइल जो भी फोटो आपने लिया है कि ओपन कर लेंगे। देखिए मेरा एक फोटो हम डाउनलोड करके रखे हैं, अभी कोई फोटो ले लीजिएगा आप कैमरा से यूज करेंगे। तो देखिए ये फोटो आ गया। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप जाके देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा क्रॉप कर लेंगे इसको। सिर्फ क्या कर लेंगे, क्रॉप, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए तो पूरा फोटो तो ले नहीं सकते हम, इसमें क्रॉप कर लेंगे आराम से। तो ये हमारा फोटो बन गया। अगर आपका फोटो में लाइट ज्यादा या कम हो तो आप उसको क्या कैसे करेंगे, तो कंट्रोल के साथ एम शॉर्टकट की दबाइएगा, आ जाएगा कर्व। इसमें अगर आपको लाइट ज्यादा है तो नीचे करेंगे तो कम होगा, कम हो तो ऊपर करके आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ज्यादा ही नहीं करना कि खराब भी लगने लगे, हो जाए ओके कर लेंगे इसको। ये हमारा फोटो मान के चलिए हो गया। अब हम इसको पासपोर्ट साइज 10 कॉपी बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो फाइल में जाके न्यू पेज लेंगे पहले हम। तो जैसे तो नॉर्मली ज्यादातर लोग प्रिंट के लिए कौन सा यूज करता है, A4 ले लिए हम, ओके कर देंगे, हमारा पेज आ गया है। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए एक बार ही हम लोगों को बनाना होता है अभी कॉपी एक फोटो को, फिर अपने आप बनेगा ये। तो क्या करेंगे, इस फोटो को मूव टूल लेंगे, यहाँ से इसको खींच के यहाँ ले आएंगे। फोटो लेके आ गए, इसका जो साइज आपको लगता है, जो साइज आपको रखना हो, तो हम एग्जाम्पल के लिए आपको इसका साइज रख लेते हैं 5 सेंटीमीटर इधर से, इधर से भी रख देते हैं 4 सेंटीमीटर। हो गया, MM में था ये, खैर ले लेंगे, अप्लाई कर दिए, एक फोटो हमारा बन के आ गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, देखिए इसका डुप्लीकेट बनाना है हमको, तो लेकिन डुप्लीकेट हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, करेंगे एक्शन। यहाँ पे एक्शन आता है, वही MS वर्ड में वो माइक्रो चलता है। तो एक्शन में जाएंगे, यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्रिएट न्यू एक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो एक्शन का जो नाम आप लिखना है, नाम लिख सकते हैं आम एम, जो भी आम इसको नाम देना है दे दीजिए, हम ए करके दे दिए। लेकिन इसमें आपको फंक्शन की चूज करना है कि आपको किस की का शॉर्टकट की बनाना है। हम तो F2 बना लेते हैं, शिफ्ट के साथ F2 दे दिए, ठीक है, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है, जितना कॉपी आपको रखना है। मान के चलिए कोई आदमी आता है बोलता है कि सर हमको 5 कॉपी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको 5 कॉपी देंगे। यहाँ से आप ग्रिड लाइन ले सकते हैं, जैसे ऐसे ऊपर से खींचे, ये कहाँ से लाए, तो यहाँ से खींचेंगे, ये आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक और खींच के दिखा, ये क्या होता है आपका एकदम फोटो जो है एकदम, देखें ये वाला यहाँ रहने देते हैं, क्या करेंगे अल्ट के साथ खींचेंगे तो डुप्लीकेट। अब यहाँ रख दिए इसको एक और, अब लगे यहाँ पे, अगर आपको लगे कि इसमें अगर बैठा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इधर से लेफ्ट साइड से भी आप ग्रिड लाइन ले सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, हमारा फोटो बन गया। एक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, आप बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, स्टॉप हो गया। अब देखिए अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अब अगले बार से अगर कोई भी बंदा आता है और हमको कहेगा सर मेरा पासपोर्ट साइज निकालिए 5 पीस, अभी हम जितना एक्शन बनाए, तो देखिए कैसे एक क्लिक में ये चीज बनेगा, कैसे बनाएंगे। तो अगले बार से अब कोई और आदमी आया, जैसे देखिए हमारे पास मान के चलिए कौन आ गए भाई, बाहुबली आ गए, ये इनका फोटो निकालना है, तो हमको क्या करना है, पहले इसको आराम से क्रॉप टूल लेंगे, इसको क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से जो पासपोर्ट साइज आपको चाहिए ले लिए, क्रॉप कर दिए, यहाँ से न्यू पेज लेंगे, सेम चीज। अभी देखिएगा ये एक क्लिक में बनेगा, ठीक है, A4 साइज है पेपर हमारा, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, एक बस एक फोटो आपको यहाँ पे ला के रखना है, इसको ला के यहाँ पे रखे, इसका जो पिछला साइज था आपको वही साइज रखना है, याद रखिएगा। तो साइज पिछला का था हमारा 5 पे, इधर था हमारा 4 पे, रख दिए। अब हमारा शॉर्टकट की क्या था, Shift के साथ F2, Shift के साथ F2 हम जैसी प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जितना फोटो पिछले बार वाले में था, तो ये हमारा हो गया 8 कॉपी। तो 8 कॉपी देखिए ऑटोमेटिक हमारा बन गया। तो आप एक्शन 1, 2, 3 एक्शन बना के रख सकते हैं, किसी में 5 कॉपी के लिए एक्शन बना लिए, 10 कॉपी के लिए अलग एक्शन बना लिए, 20 कॉपी के लिए अलग एक्शन बना लिए। इससे क्या होगा, एक क्लिक में आपका जो है आपका एक्शन तैयार हो जाएगा, एक क्लिक में आपका पासपोर्ट साइज फोटो निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए